listeners, welcome back to my YouTube channel. Here I come with your second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Dear students, in our previous video, we learned about the age of social change and discussed about the ideology of radicals, liberals and conservatives. स्टूडेंट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिकल ट्रेंड फॉलो किया जा रहा था वो सिंबल था किस चीज़ का, कि एक न्यू इरा, एक नया टाइम आने वाला है. एंड इट वॉज ए टाइम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस. इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड एंड न्यू सिटीज केम अप. रेलवे एक्सपेंड किया जा रहा था, इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश की जा रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन कुछ नेगेटिव भी हुआ. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. हमें हर बात के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने पड़ेंगे. जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, फास्टली काम करता है, प्रोडक्शन जल्दी कम समय में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसके साथ साथ जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी बेटर होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर आया. अब क्या प्रॉब्लम लेकर आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो काम था, जो प्रोडक्शन का काम होता था, वो लोग अपने घरों में करते थे और अपने हाथों से करते थे. मशीनों के आने के बाद वो बेरोजगार हो गए. मीन्स अब उनके सामने अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो गई. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पहला इम्पैक्ट हुआ वो था अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरा, उनके वर्किंग आवर्स, जो वर्कर्स फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, उनके वर्किंग आवर्स वाज टू लॉन्ग. उन्हें 12 टू 15 आवर्स तक काम करना पड़ता था और उसके कंपैरेटिवली वेजेस जीरो, मींस बहुत कम. दूसरा, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी. उन्हें एक काम करने के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था. और जैसे ही रूरल एरिया में, कंट्री साइड एरिया में ये न्यूज़ आई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, न्यू इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश की जा रही हैं, तो लोगों को लगा, क्योंकि वहाँ पर हार्वेस्ट जो है टोटली बारिश के ऊपर डिपेंड होती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, कभी ड्रॉट कभी हैवी रेन, तो फार्मर्स जो हैं, जो पीजन्स जो हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं थे. तो उन्हें लगा कि फैक्ट्रीज़ के अंदर वो अगर काम करेंगे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करेंगे, तो उन्हें एक बेटर लाइफ मिलेगी, बेटर विजेस मिलेंगे. सो एक होड़ सी लग गई कि कौन सबसे पहले सिटी जाएगा, जिससे एक लार्ज पॉपुलेशन रूरल एरियाज से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो गई, जिसकी वजह से सिटीज़ ओवर पॉपुलेटेड हो गई. और जब हम कम एरिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन को रखते हैं, तो वहाँ पर हाइजीन और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी हो गई. अब इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कौन करेगा? हालांकि जो प्रॉब्लम्स थी उस पर लिबरल्स और रेडिकल्स ने बात करना शुरू किया. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. उन्होंने बहुत सारी संपत्ति ट्रेड और इंडस्ट्रीज से इकट्ठी की थी. So they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be gained if the workforce, yani ki workers in the economy was healthy and citizens were educated. जैसा कि हम liberals और radicals की ideology को discuss कर चुके हैं, तो आप ये समझ चुके हो कि जो liberals और radicals थे वो birth based privileges के बिल्कुल against थे. वो ऑटोक्रेसी भी नहीं चाहते थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड यानी कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट वो
चाहती थी, वो चाहते थे कि इंडिविजुअल फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, जो पुअर पीपल हैं यदि उन्हें काम दिया जाए, और तो यदि कैपिटल को विदाउट रिस्ट्रेंट ऑपरेट किया जाए, तो रेडिकल्स और लिबरल्स बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप. Many working men and women who wanted changes in the world came into contact around liberals and radical group and parties in the early 19th century. Bahut sare nationalists, radicals, liberals, revolutions chahte the ki government, jis tarah ki government 1815 ke baad Europe mein establish hui hai, waisi hi kuch yahan par bhi establish ho jaye. वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन चाहते थे. डियर स्टूडेंट्स, रिवॉल्यूशनरीज का आइडिया आप जानते हो कि जो मोनार्क, जो एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग मोनार्क है, जो एब्सोल्यूट किंग है, उसको ओवरथ्रो किया जाए और पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश किया जाए. और उस समय पर सबसे ज़्यादा जिसके आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा था वो था जुसेप्पे मैज़िनी. जुसेप्पे मैज़िनी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज था जो नेशनलिज्म के आइडियाज़ को स्प्रेड करना चाहता था, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाहता था और इंडिविजुअल फ्रीडम चाहता था. उसी ने नेशन स्टेट के आइडियाज़ को बहुत पॉपुलर किया था. तो ऐसा ही कुछ जो है अब यूरोप के अंदर बहुत सारे स्टेट्स जो हैं ऐसी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते थे. तो उस से क्या निकल कर आया, उससे आया सोशलिज्म का आइडिया. अब ये सोशलिज्म क्या है स्टूडेंट्स? सोशलिज्म आप कह सकते हो एक सिस्टम या एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति या एक स्टेट के द्वारा कंट्रोल ना किए जाएं. जो सोशलिस्ट होते हैं उनका मानना होता है, उनकी ये आइडियोलॉजी होती है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर सोसाइटी के सभी मेंबर्स का इक्वल कंट्रोल होना चाहिए, उनके अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए. वंस अगेन आई रिपीट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को एक व्यक्ति या एक स्टेट कंट्रोल ना करके सोसाइटी के सारे मेंबर्स इक्वली कंट्रोल करें, उनके अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, ऐसा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी. तो ऐसा आइडिया बहुत पॉपुलर होने लगा था उस समय पर. इस सोशलिज्म के आइडिया को हम और अच्छे से समझते हैं. ये पब्लिक ऑनरशिप चाहते थे, यानी कि प्राइवेट ऑनरशिप नहीं चाहते थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर. एक स्टेट या एक व्यक्ति का ओनर ना रहे, वो मालिक ना हो उसका, जबकि पूरी पब्लिक उसकी मालिक हो, यानी कि वो सभी पब्लिक के बीच के में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. वो इग्नोरेंस को ख़त्म करना चाहते थे, प्रॉपर्टी को लिमिट करना चाहते थे, लिमिटेड करना चाहते थे, प्रिविलेजेस के बिल्कुल अगेंस्ट थे, इनकम को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, और कुछ ऐसी प्लानिंग्स चाहते थे जिससे प्राइस को कंट्रोल किया जा सके. आई होप आपको सोशलिज्म का आइडिया आइडियोलॉजी समझ आई. अब ये जो आइडियोलॉजी थी, जैसा कि हमने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के केसेस में पढ़ा था कि जो पब्लिक होती है वो कभी भी सेम ओपिनियन नहीं रखती है, तो ऐसे ही जो भी सोशलिस्ट थे उनके आइडियाज़ भी एक दूसरे से डिफ़र कर रहे थे कि सोसाइटी को कैसे ऑपरेट किया जाना चाहिए. जैसे रॉबर्ट ओवेन हैं, वो चाहते थे एक कॉपरेटिव कम्युनिटी इस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और न्यू हार्मनी इन इंडियंस नाम की, इंडियाना नाम की एक यूएसए के अंदर कॉपरेटिव सोसाइटीज चला रहे थे. तो उन्हें लगा कि सोसाइटी को कॉपरेटिव होना चाहिए, यानी कि सभी मिलजुल कर उसमें डिसीजन लें, और वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि कॉपरेटिव्स को ही इनकरेज करें. दूसरे लुइस ब्लैंक थे. लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन.
यानी कि जो सरकार है वो पूंजीवाद को ख़त्म करके उसकी जगह सामूहिक इंडस्ट्रीज यानी कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे। कॉपरेटिव्स जो होते हैं वो ऐसे लोगों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो मिलकर चीज़ें बनाते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको भी सदस्य ने जो काम किया है यानी मेंबर्स के द्वारा जो काम किया गया है उसके हिसाब से वो इक्वली उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। इन दोनों ने ही बहुत सारे आप कह सकते हो आइडियाज़ दिए, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करे। एक्चुअली मार्क्स एडवाइज्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो समाज है जो वो कैपिटलिस्ट है वो पूंजीवाद है, यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर जो पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं जो पूंजी लगाते हैं यानी कि जो मनी इन्वेस्ट करते हैं उसके मालिक को हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, जिससे वो मशीनें खरीदने में या इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर रॉ मटेरियल ख़रीदने में इन्वेस्ट करते हैं, और उस फैक्ट्रीज़ के अंदर जो लेबर होता है वो मेहनत करता है लेकिन जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो कैपिटलिस्ट होता है वो अपना कंट्रोल रखता है, जिससे लेबर्स या वर्कर्स की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं होता। तो कार्ल मार्क्स का ये विश्वास था कि ऐसे पूंजीवादी समाज को ख़त्म कर देना चाहिए और एक अलग तरह का समाज होना चाहिए जिसमें संपत्ति यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो सभी पर का उसका ऊपर उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। वो भविष्य के एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे जिसके अंदर मजदूर जो हैं वो खुद ही फैक्ट्रीज़ के ओनर हों। वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी जो है वो ऐसे लोगों से कंट्रोल की जाए जिनके पास पूंजी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें कोई राइट ही ना मिले। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी एक ही है, इसलिए मैंने इनको एक साथ ही लिखा है। कार्ल मार्क्स का ये भी मानना था कि द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। वर्कर्स को इस कैपिटलिज्म को ख़त्म करना होगा और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल चलता आ रहा है इसे भी ख़त्म करना होगा। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट इफ़ वर्कर्स वॉन्टेड टू फ्री themselves फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। और इसे ऐसा जो सोसाइटी बनेगी फिर उसके बाद उसको नाम दिया कम्युनिस्ट सोसाइटी। उसने वर्कर्स को कन्विंस कर लिया कि जो कैपिटलिस्ट हैं जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं और उन्हें उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद 1870s तक जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे वो होल यूरोप के अंदर स्प्रेड हो गया। एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई जिसको द सेकंड इंटरनेशनल नाम दिया गया। जैसे कि इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर बहुत सारी एसोसिएशंस के लिए एसोसिएशंस बनी हुई थी जो स्ट्रगल कर रही थी एक बेटर लाइफ और बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए। जर्मनी में भी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SDP बनाई गई। ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी जो कि ट्रेड यूनियंस और सोशलिस्ट ने मिलकर बनाई थी इन 1905। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1905 में। और 1914 तक आते आते हालांकि जो ये रेडिकल्स या जो सोशलिस्ट लोग थे इन्हें गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे जो उनकी सोच थी उन्होंने उसे एक स्ट्रॉन्ग फिगर में रिप्रेजेंट किया। उनके आइडियाज़ को लेगिस्लेशन में शेप मिली, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा ही रन की जा रही थी। सोशलिस्ट को 1914 तक गवर्नमेंट बनाने का चांस ही नहीं मिला था।
लेकिन उनके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली तरीके से उसे पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया। उसी के जरिए वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर आर टुडेज वीडियो। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रशियन रिवोल्यूशन एंड द जार निकोलस सिकिन। आई होप मेरी वीडियोज आपको स्टडी में बहुत हेल्प कर रही होंगी। If you like my video, then share with your friends, subscribe my channel, and don't forget to press the bell button. Goodbye, have a nice day, stay safe, stay healthy.